और इस वक्त एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां नर्सिंग होम संचालक पर नर्स से रेप का आरोप, 2 से 3 बार पीड़िता का गर्भपात कराने का भी आरोप है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाने पर हालत बिगड़ी है। पीड़िता नर्सिंग होम में 2 साल से काम कर रही थी और अब रेप का यह आरोप नर्सिंग होम के संचालक पर लगाया गया है और नर्सिंग होम के संचालक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। संवाददाता संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, गुरुग्राम पुलिस ने एक रेप का मामला जरूर दर्ज किया। जो महिला है वो गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन जो डॉक्टर है एडमिट करा के फरार हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बिल पे नहीं कर पाए, तो हॉस्पिटल वालों ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद वो गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में है, यानी कि एडमिट है। उसी के बाद ये पूरा मामला है जो संज्ञान में लिया गया, गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। हालांकि जो आरोपी डॉक्टर है उसकी तलाश जारी की है, गुरुग्राम पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, और साथ ही साथ अन्य अन्य धाराओं के तहत इसमें मामला दर्ज कर दिया है। पीड़ित की शिकायत है कि करीब 2 से 3 बार इसका ऑपरेशन भी करा चुका है डॉक्टर। जी बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नर्सिंग होम के संचालक पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। नर्सिंग होम संचालक पर नर्स से रेप का आरोप लगा है, 2 से 3 बार पीड़िता का गर्भपात कराने का भी आरोप संचालक पर लगा है, जबरन गर्भपात की गोलियां खिलाने पर हालत बिगड़ी।